नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भाजपा के पास ऐसा राजनीतिक कौशल है कि उसकी एक राजनीतिक चाल से भाजपा बेहाल हो जाती है। विपक्ष लगातार हो हल्ला कर रही थी कि चुनाव जीतने के बाद भी अभी तक भाजपा को मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहा है, लेकिन भाजपा की राजनीतिक चाल धीमे सधी हुई और हमेशा से दूरगामी परिणाम देने वाली रही है। छत्तीसगढ़ की जैसा ही मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया, विपक्ष के खेमे में निराशा हो गई। भाजपा ने ऐसी राजनीतिक चाल चली कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया और भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की भी बिसात लिख दी। कैसे, बताते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के भीतर भाजपा ने ऐसी तिकड़ी बना दी है कि लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में मानो भाजपा लगभग जीत ही गई है। भाजपा ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। साय राज्य के एक बड़े आदिवासी नेता है, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के करीबी भी हैं। चार बार विधायक रहे साय की छवि एक शालीन नेता के तौर पर है। राज्य में आदिवासियों की संख्या 30% से ज्यादा है। वही विष्णुदेव साय राज्य के पहले आदिवासी सीएम भी हैं। भगवा दल ने विजय शर्मा को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया। विजय शर्मा कवर्धा झंडा केस से सुर्खियों में आए थे। उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर है। साल 2021 में कवर्धा झंडा विवाद में विजय शर्मा को 2 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। अरुण साव भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। राज्य में ओबीसी की आबादी लगभग 40% से ज़्यादा है। जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तब अरुण साव ने भाजपा को एक मजबूत पार्टी बनाने की अहम भूमिका निभाई थी। करीब 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि सूबे में भाजपा की ये तिकड़ी लोकसभा चुनाव में कमाल कर सकती है। लेकिन विपक्ष का हाल ये है कि जिस छत्तीसगढ़ में वह लगभग जीत की चौखट पर खड़ी थी, वहां भी वह हार की समीक्षा आधे दिन में कर लेती है। सुनिए कांग्रेस ने हार की समीक्षा के बाद क्या कुछ कहा था, जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ही मौजूद थे। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खाड़के जी ने, हमारे नेता राहुल जी ने और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने मीटिंग ली। साथ में हमारे ट्रेजरर साथ में थे, स्टेट के सीनियर नेतागण साथ में थे। सब ने इस चुनाव के बारे में समीक्षा की, अपने विचार रखे, अपनी बातें कही। बहुत स्पष्ट रूप से सब ने अपने अपने व्यूज़ यहाँ पर दिए। ये बात ज़रूर है कि हम चुनाव हारे, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगी कि कोई भी सर्वे, चाहे आपका नेशनल मीडिया हो चाहे रीजनल मीडिया हो, कोई भी एजेंसी हो, हर एक ने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और शायद किसी हद तक आप सही साबित भी हुए, क्योंकि हमारा वोट परसेंटेज विशेष कम नहीं हुआ है। हमारा वोट परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले उतना ही रहा है, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती। 5 साल सरकार में रहने के बाद वोट परसेंटेज बरकरार रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी कारण से हमें विश्वास था, हमें भरोसा था कि हमारी सरकार ने जो काम किया, खड़गे जी के
नेतृत्व में राहुल जी के, सोनिया जी के दिशा निर्देश में हमारी सरकार ने, प्रियंका जी के सहयोग से हमारी सरकार ने जो स्कीम लेकर आए, बेहतरीन स्कीम लेकर आए, उसका नतीजा हमने ज़मीन पर देखा है। लोगों का विश्वास हमने हासिल किया है। हमारी भरोसे की सरकार रही, हमने लोगों का भरोसा भी जीता। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं और सभी लोग, सभी साथियों ने मिलकर हाई कमांड को, हमारे शीर्ष नेताओं को ये विश्वास दिलाया है कि बेशक हमारी उम्मीद से थोड़ा कम रहना कि सरकार ना बने, लेकिन लोगों का विश्वास हमने खोया नहीं है और लोग अभी भी हमारे ऊपर नज़र डालें। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम आगे मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोगों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया, हम कारण देखेंगे कि कई जगह वोट हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन कई जगह हमारा वोट मार्जिन बहुत ज़्यादा हमारे पक्ष में भी रहा। तो कोई एक ऐसी बात नहीं है पैटर्न की बिल्कुल एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो, ये कहीं देखने में नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा इन बातों का। महिलाओं की बात जहाँ तक है, ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष में इतनी महिलाओं को हम जिता कर लाएँ, क्योंकि अब विपक्ष में हो गए इसलिए कह रहे हैं। 18 महिलाओं को टिकट दिया था सभी ने मिलकर, उनमें से 11 महिलाएं जीत कर आईं। इसी तरह से कुछ एरिया में थोड़ी कमज़ोरी रही और किसी जगह हमको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। किसान ने, गरीब ने हमारा साथ दिया है। जो जहां हमें लग रहा है कि कुछ कमियां रही, उन कमियों को आने वाले समय में, अब हमने, आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव ख़त्म हो गया तो हमारा काम ख़त्म हो गया। हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे नेतागण हर जगह, हर कोने में जाएंगे और फिर से लोगों का और ज़्यादा विश्वास बढ़ाएंगे और लोकसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आप लोगों ने, अब आपका क्या सोचना है छत्तीसगढ़ में भाजपा की तिकड़ी पर, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।